हेलो फ्रेंड, वेलकम सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ एक विश्वविद्यालय की चर्चा करूंगा। राजस्थान हम सभी जानते हैं अपने शौर पराक्रम के लिए जाना जाता है। यहाँ उदयपुर अरावली पहाड़ की तराई में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, पर्यटन नगरी है। यहाँ पर पहले विश्वविद्यालय हुआ करता था, उदयपुर विश्वविद्यालय। ये उदयपुर विश्वविद्यालय 12 जुलाई 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ के थे उनके नाम पे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय किया गया। ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक महत्व रखता है। 2014 में इसे नैक प्रत्यायन द्वारा, नैक जो टीम है उसने इसका जो स्कोर किया था A+ किया था, जो कि देश के गिने चुने विश्वविद्यालयों को A+ मिलता है। यहाँ पे 2.5 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं। 60 महाविद्यालय इसके अंतर्गत हैं और फैकल्टीज की बात करें तो यहाँ पे लगभग सभी फैकल्टीज हैं। ये प्रबंध संस्थान भी है, फैशन डिजाइनिंग भी है, ह्यूमनिटीज भी है, साइंस भी है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे ना हो। वर्तमान में यहाँ के कुलपति जी हैं, जो यहाँ पे कुलपति जी हैं यहाँ के, वो काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, माननीय अमरीका सिंह आप यहाँ के कुलपति हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। यहाँ पे कुल संसद भी बन रही है, संसद का एक लोकार्पण किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाया जा रहा है, वो जल्द ही पूरा होने वाला है। यहाँ का गेस्ट हाउस बहुत ही काबिल तारीफ है। और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो बॉटनी डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, फार्मेसी, फिजिक्स, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंस। फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंस जो कि साइंस का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंस गिने चुने देश के विश्वविद्यालयों में है, वो उदयपुर में भी है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्राकृत, जेनोलॉजी एंड प्राकृत, जो संस्कृत एंड प्राकृत पाली चलता है, यहाँ पे जेनोलॉजी एंड प्राकृत भाषा है। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक भी यहाँ पे है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थानी, राजस्थानी कल्चर को यहाँ पे समेटा गया है, जिसमें राजस्थानी कल्चर के बारे में चर्चा की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट गिने चुने देश के विश्वविद्यालयों में है, जिसमें से उदयपुर में भी विजुअल आर्ट है। सोशल साइंस के अंतर्गत यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, ये भी सोशल साइंस में फैशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे रखा गया। जर्नलिज्म के कोर्स भी हैं, आप इसको कर सकते हैं। वुमेन स्टडीज़ भी है। कॉमर्स डिपार्टमेंट है, जिसमें अलग अलग इनने फैकल्टीज बांटी है, अकाउंटेंसी और स्टैटिक्स है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फिनिशिंग स्कूल है, प्लेसमेंट सेल है, ये सभी चीज़। फैकल्टी ऑफ लॉ भी है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट, तो सभी प्रकार की फैकल्टियों से सुसज्जित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अपने आप में A+ की हकदार रखता है। जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजातियाँ हैं यहाँ पे, उन जनजातियों पर अध्ययन भी होता है, जनजातियों के समग्र विकास की योजनाएँ बना रहा है। और पिछले कोरोना काल में यहाँ पे इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एक ही दिन में 175 ऑनलाइन वेबिनार एक साथ करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो नेशनल एजुकेशन थी हमारी NEP, उसके उसमें इन्होंने 175 ऑनलाइन वेबिनार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय मैं यहाँ पे आया हूँ और देख रहा हूँ आपको इसके बारे में और भी जानकारियाँ दूँगा। आज के लिए इतना ही।